कच्छ जो अपनी अलग प्रजाति, अलग रीति रिवाज, अलग पैरवाश और अलग परंपरा की वजह से दुनिया भर में मशहूर है और गुजरात राज्य का सबसे बड़ा जिला है, जहां पर आप कर पाएंगे ऊंट की सवारी और देख पाएंगे सफेद रण को। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कच्छ के 12 पॉपुलर टूरिस्ट प्लेसेस को, जहाँ पर आप अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं। साथ में आपको ये बता दें कि अगर आप देखना चाहते हैं भारत भ्रमण को तो अभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरी चैनल पर आप विजिट कर पाएंगे भारत में घूमने की अलग अलग प्लेसेस को। वीडियो की शुरुआत करेंगे भुज से। भुज एक ऐतिहासिक शहर है जिसे 1510 में स्थापित किया गया था। यहाँ पर कई महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। भुज जो कच्छ जिले का मुख्यालय है और यह क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। कच्छ संग्रहालय, जिसे पहले फर्ग्यूसन संग्रहालय के नाम से जाना जाता था, जिसे बॉम्बे के तत्कालीन गवर्नर सर जेम्स फर्ग्यूसन के नाम पर रखा था, जो गुजरात का सबसे पुराना संग्रहालय है। संग्रहालय में कुछ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर से संबंधित विभिन्न वस्तुओं का संग्रह है, जिसमें शस्त्र, सिक्के, मूर्तियां, पेंटिंग, हस्तशिल्प और वस्त्र शामिल है। कच्छ संग्रहालय, जिसकी स्थापना 1877 में हुई थी और इसे कच्छ के महाराव खंगेरजी तृतीय द्वारा शुरू किया गया था। हमीरसर झील, यह एक मानव निर्मित झील है जो शहर के केंद्र में स्थित है। स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। इस झील का निर्माण महाराव खंगेरजी प्रथम द्वारा 1548 में किया गया था। आईना मेल और पराग मेल एक ही कंपाउंड में बने होने के कारणवश आप एक ही साथ इनकी विजिट कर सकते हैं, जिसे दरबारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। पराग महल का नाम राव परागमल सेकंड जी के नाम से रखा गया है, जिसकी स्थापना 1865 में करवाई गई थी, जिसे कर्नल हेनरी विल्कसन ने डिजाइन किया था। 2001 में आए भूकंप के कारणवश इस महल को काफ़ी मात्रा में नुकसान हुआ था। इस महल के अंदर प्रवेश करने के लिए आपको खर्च करने पड़ेंगे 60 रुपये और आप करना चाहते हैं फोटोग्राफी तो उसके लिए एक्स्ट्रा 100 रुपये। यहाँ पर आप देख पाएंगे ग्राउंड फ्लोर पर दरबार हॉल को। हॉल से बाहर निकलते ही आप देख पाएंगे क्लॉक टावर, जहां से भुज सिटी का 360 एंगल व्यू देखने को मिलता है। पराग महल से बाहर निकलते ही सामने की तरफ आपको नजर आएगा आईना महल, 18वीं सदी में जिसका निर्माण राव लखपत जी के द्वारा ईस्वी सन 1800 में करवाया गया है, जिसकी डिजाइन राम सिंह मानव के द्वारा की गई है। आईना महल में आप देख पाएंगे लखपत जी का बेड और उनके पास में नजर आएंगे उनकी निजी वस्तुएं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, पुराने हथियार, चप्पल, हुक्का और उनके वस्त्र। आप रखते हैं शौक किलो को देखने का तो मांडवी बीच से 7 किलोमीटर की दूरी पर आपको नजर आएगा ये विजय विला पैलेस, जिसकी एंट्री फीस है 70 रुपये और अगर आप करना चाहते हैं यहाँ पर वीडियोग्राफी तो उसके लिए आपको खर्च करने पड़ेंगे अलग से 100 रुपये। इसका निर्माण 1920 के दशक में कच्छ के महाराव श्री खंगेरजी तृतीय के शासनकाल के दौरान उनके पुत्र और राज्य के उत्तराधिकारी युवराज श्री विजयराज जी के उपयोग के लिए ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल के रूप में किया गया था और इसीलिए इनका नाम उनके नामों पर से रखा गया है। विजय विला पैलेस बॉलीवुड फिल्मों के लिए लोकप्रिय फिल्मांकन स्थान रहा है। प्रसिद्ध फिल्म हम दिल दे चुके सनम और लगान की शूटिंग भी यहां पर हुई थी। विजय विला पैलेस घूमने के बाद आप घूम सकते हैं मांडवी बीच, जो विजय विला पैलेस से सिर्फ 15 से 20 मिनट की दूरी पे स्थित है। मांडवी बीच जो देखने में बहुत ही खूबसूरत है, जहां पर वाटर एक्टिविटी के साथ ऊंट और घोड़े सवारी का आनंद लिया जा सकता है। मांडवी बीच अपनी सुंदरता, साफ रेत और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। साथों साथ यहाँ पर देख पाएंगे बहुत ही कम मात्रा में पाई जाने वाली जेलीफिश और खूबसूरत पक्षियों के समूह को। भुज से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर है अंजार, जहाँ पर स्थित है जेसल तोरण की समाधि और ये निकटतम रेलवे स्टेशन गांधीधाम से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पे है। ये समाधि लोक गाथा के नायक जेसल और उनकी पत्नी तोरल की स्मृति में बनाई गई है, जिनकी कहानी प्रेम, त्याग और भक्ति का प्रतीक मानी जाती है। यहाँ हर साल मेले और धार्मिक आयोजन होते हैं जो स्थानीय व्यापार और पर्यटक को प्रोत्साहित करते हैं। जेसल तोरण समाधि से कालू डूंगर की दूरी है 128 किलोमीटर की, जहाँ पहुंचते ही सबसे पहले आपको नजर आएगा भगवान दत्तात्रेय जी का ये मंदिर। यह पहाड़ी भगवान दत्तात्रेय को समर्पित 400 साल पुरानी है। काड़ू डूंगर, जो ब्लैक हिल के नाम से भी जाना जाता है, जो लगभग 465 मीटर यानी 1516 फीट की ऊंचाई पर संभवतः कच्छ का सबसे ऊंचा स्थल है, जहां से आप कच्छ के रण को देख पाएंगे। यह स्थल निकटतम हावड़ा से 25 किलोमीटर की दूरी और कच्छ मुख्यालय भुज से 97 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी तय करके आप इंडिया ब्रिज पहुँच सकते हैं। दुनिया भर के रेगिस्तान में आपको देखने मिलेगा पीले रंग का रेत, पर यहाँ पर आप देख पाएंगे सफेद नमक को, जो इससे बाकी रेगिस्तानों से अलग बनाता है।
दूर दूर जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ नजर आएगा सफेद नमक, और अगर आप गौर से सामने की तरफ देखेंगे तो आप ये महसूस कर पाओगे कि जैसे संगम हो रहा हो जमीन और आसमान का। आप आते हैं यहाँ पर दिसंबर से लेकर फरवरी तक, तो आप यहाँ पर काइट फेस्टिवल के साथ रण उत्सव का भी मजा ले पाएंगे, जिसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों से लाखों लोग सम्मिलित होते हैं और अपनी कला को पेश करते हैं। माता नो मठ माँ आशापुरा को समर्पित एक हिंदू टेम्पल है जो गुजरात के भुज से लगभग 97 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। जो मंदिर अभी मजबूती से खड़ा है उसे सुंदर जी सौदागर ने बनवाया था। आशापुरा माँ के मंदिर में कई धार्मिक त्यौहार मनाए जाते हैं, जिसमें खास महत्व रखता है दीपावली एवं नवरात्रि, जिसे बड़ी धामधूम से मनाए जाते हैं। नवरात्रि के दौरान यहाँ पर विशेष पूजा आरती का आयोजन भी होता है। 1200 साल पुराना मूल मंदिर भूकंप के कारण 2 बार ध्वंस हो चुका है। कहा जाता है कि माता आशापुरा देवी ने इस स्थान पर प्रकट होकर भक्तों को आशीर्वाद दिया था। माता आशापुरा देवी कच्छ की कुल देवी मानी जाती है। आशापुरा का अर्थ है आशाएं पूरी करने वाली, इसलिए भक्त अपनी विभिन्न इच्छाओं और समस्या के समाधान के लिए यहाँ पर आते हैं। आशापुरा माता के मठ से नारायण सरोवर की दूरी है 58 किलोमीटर की। नारायण सरोवर में जैसे ही आप अंदर आएंगे तो सबसे पहले आपको नजर आएगा भगवान विष्णु जी का ये मंदिर, जो यहाँ का मुख्य मंदिर है। ठीक इसके पीछे ही बना हुआ है नारायण सरोवर। यहाँ पर होता है सिंधु नदी का सागर से मिलन। नारायण सरोवर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन 3 दिन का भव्य मेला भी लगता है। श्रीमद् भागवत में वर्णित 5 पवित्र सरोवर पंपा सरोवर, मान सरोवर, बिंदु सरोवर, पुष्कर सरोवर और ये नारायण सरोवर। माना जाता है कि हर वर्ष लाखों श्रद्धालु इस सरोवर में डुबकी लगाते हैं, क्योंकि इस सरोवर की रचना भगवान नारायण के द्वारा की गई है। उनके नाम से इस सरोवर का नाम पड़ा है नारायण सरोवर। कोटेश्वर मंदिर, सिंधु नदी और सागर का जहाँ पर मिलन होता है, ऐसे पवित्र यात्रा धाम नारायण सरोवर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये कोटेश्वर महादेव का मंदिर। कोटेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना विक्रम संवत 1820 यानी ईस्वी सन 1763 में हुई थी, जिसे जेठा शिवजी और सुंदर जी सौदागर ने करवाया था। मंदिर में पौराणिक लिंग है जिसे महादेव का अवतार माना जाता है। कोटेश्वर महादेव का ये मंदिर भारतीय पश्चिमी भूमि सीमा का अंत है। यहाँ से आगे आम आदमी को जाने नहीं देते। यहाँ से आगे मध्य समंदर में हमारे पड़ोसी राज्य पाकिस्तान की सीमा का प्रारंभ होता है। कोटेश्वर मंदिर से शाम के टाइम पर आप देख पाएंगे पाकिस्तान कराची बंदरगाह से आने वाली रोशनी के चमक को। यह स्थल धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है, जहाँ पर होती है भगवान शिव की पूजा। आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे किसी नए प्लेस पर नए वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।